तनयो भवेत, सांगता दशरथ की तन की कन्या है, न कि कौशल्या की। किसी में कल्प में ऐसा हुआ था कि दशरथ ने कौशल्या की कन्या शांता देवी, दत्तक पुत्री है, कौशल्या के पेट से निकली शांता देवी, और कहूँ कहूँ दशरथ के तन से निकली कन्या। अध्यात्म रामायण कुछ कहता है, बराबर कुछ कहता है, कल्प कल्प का भेद है, किसी कल्प से हुआ होगा, इसकी भी कथा ऐसा है। अब वहाँ पे वो कन्या महाराज पटना सर के पली, जो श्रृंगी ऋषि को बुलाने का हुआ, तो वहाँ से खबर आई कि आपके राज्य में श्रृंगी ऋषि ब्रह्मांड ऋषि हैं, इनको आप भेजिए। तो पटनेश्वर इनको लिवा कर गए, यज्ञ कराए, वहाँ से अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव खीर निकल, यहाँ भी बांट देव ने बजाई, जसाई जोगी सब भात बनाई, राजा इसको बांट दो रानियों को, अग्निदेव ने कहा। तो राजा ने उस खीर को रानियों को वितरण किया, जिससे कि चार पुत्रों का अर्धभाग कौशल्या देना, आधा कौशल्या लिया, उभय भाग आधे करना, जो आधा बचा दो खंड किए, एक एक दिया, फिर एक बचा, एक फिर दो खंड करके दोनों का एक कौशल्या दिया, सुमित्रा को नहीं दिया। अब इसमें भेद आता है, क्यों नहीं दिया? वो भी रानी है ना, लोग कहते हैं सुमित्रा छोटी रानी है और शास्त्र कहता है बड़ी रानी है सुमित्रा। अब आ जाइए, जब राजा कौशल्या का स्वयंवर हो रहा था, उस समय पर महाराज दशरथ जा रहे थे, और रावण ने सुना कि कौशल्या के गर्भ से पैदा हुआ बालक मुझे मारेगा, तो मैंने कौशल्या को हरण कर लूँ, गया कौशल्या को हरण करके और राघवमक्ष को दे दिया। कौशल्या दशरथ यहाँ जाएगी नहीं, पुत्र पैदा हुए, मैं अमर हो गया। वह राघवमक्ष के यहाँ ब्रह्मा पहुँचे, रावण बन के कन्या लाओ, वो लेके ब्रह्मा जी ग्रहण से अपने सवारी से आ रहे थे, इधर मिल गए महाराज दशरथ, दशरथ इस कन्या को दे देना राजा रामपाल जी को, ले आए दशरथ। और यहाँ पर क्या नाम से स्वयंवर में राजा रामपाल जी तमाम जुटे हैं, राजा लोग, दशरथ उन्होंने हाथ मिलाए, राजा रामपाल जी बोले कन्या कैसे? बोले कन्या हमको रावण ने दिया है, तो कौशल्या के पिता को दिया गया। और यहाँ लड़ाई छिड़ गई कि जो लड़की नहीं थी तो स्वयंवर क्यों रचा गया? तब तक सुमित्रा ने तैमा लेकर खड़ी हो गई, हमारी बड़ी बहन है, सब छोटी बहन, और वह जयमाल लेके आएगी। दशरथ जी कौशल्या लेके पहुँचे और वह जयमाल दशरथ जी गले में डाल दिया। कौशल्या अनमनी हो गई, और छोटी बहन है और बड़ी रानी बनेगी। सुमित्रा ने कहा तुम भी दशरथ का विवाह करो, डालो जयमाल, और मैं संकल्प लेती हूँ कि आजीवन लड़का नहीं पैदा करूँगी, तेरा ही लड़का राजा बनेगा। तो इस नाते सुमित्रा को नहीं दिया गया। क्योंकि कौशल्या ने कहा कि हमारी बहन है, अगर निपुत्री रहेगी तो अच्छा नहीं रहेगी। तो कौशल्या कह जो पाए थी दो दोना भाग दे दिया, और सुमित्रा खाई तो दो पत्र पैदा हुए, एक भरत संग एक राम संग। अब वो कन्या बची, जग करा के जाते समय ऋषि जी को और सांगता रूप में दे दिया कन्या को, तो वही सांगता वे प्लस श्रृंगी ऋषि आज में व्याख्या। हाँ, ब्रह्मांड ने कहा ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी खत्म हो गया, कहा पिता मैं जीवन तक ब्रह्मचारी रहूँगा और कन्या को बगल में रखूँगा। आज तक देख ना इसे हाथ रखे हैं कौशल वो सांगता के ऊपर। तो यह राज महाराज पटनेश्वर की है। थोड़े जयराम जी आए, अब बड़े हुए, निषाद गया, निषाद मित्रता हुई, दशरथ ने कहा हमारे लड़कियों को आखेट खिलाइए, लाया निषाद राज जंगल में। सिंहवेर पर था, सिंहवेर पर नहीं था, सिंहों का जंगल था। तो निषाद ने कहा कि महाराज चलोगे तो, लेकिन सिंह ज़्यादा हैं, लाला वहाँ खा लेगा सिंह। कहाँ कोई भी, हम क्षत्रिय हैं, डरते नहीं, कहाँ से नहीं डरते। तो उस पार गए तो कहा देखो भाई आज पहला शिकार मेरा होगा। निषाद ने कहा सर ठीक है आप मारिएगा। जब वहाँ जो देखा सिंह दपटा और गर्जना किया, तो राम जी कभी सिंह देखे नहीं थे, सिंह के छवि को देखते रहे और धनुष बाण उठाए नहीं। निषाद ने सोचा कि अभी इनको खा जाएगा और दशरथ को दूंगा क्या, राज शासन है। उस बेचारा उस समय पर बाण मार दिया निषाद, सिंह मर गया। राम ने कहा क्यों, किसने बाण मारा? कहा मैंने मारा। कहा नहीं शिकार मेरा था, तुमने क्यों मारा? कहा आपने बाण उठाए नहीं। मुझे सिंह भाले खा लेता, लेकिन रघुवंश सिंह के वचन कीमत होती है, तुमने गलत किया। चलो पेशी लगे गई पिता के पास, कहा रघुवंश सिंह की बात काट दिया, मेरा शिकार इसने मार दिया। अब कहा लाला जी से जरूरत है निशान, क्या बात है? निशान ने कहा सरकार, बेटे की बात मानी जाए या बाप की बात मानी जाए? बाप ने कहा सुरक्षित रामलला को मुझको देना, और राम ने बाण मारा नहीं, साय सिंह खा लेता तो मैं क्या देता, ये दे दिया मुझे, आप मृत्युदंड दीजिए, बाण मारिए मैं मर जाऊँगा। भाई तुम्हारी अमानत तुमको सौंप दिया, अब मुझे मार दो। उसी पर राम राजा रामपाद उठ कर के और कौशल्या को पास गए, कहा देखिए आपको निशादराज है, रामलला को लाके सब भेंट कराए, दोनों साथी मित्र बने। और कहा सिंगबेरपुर का राजा राज तिलक कौशल्या तो अपने हाथ कर दो। कहा राजन आपका राज्य है? कहा नहीं, आप बेटी वहीं पे है, अब मैं राज वहाँ छोड़ दूंगा। राजा रोमपा चले गए पटना को, यहाँ उसका राजा बना दिया निषाद का। निषाद यही कहा देव धारण धन धाम तुम्हारा, मैं जननीच सहित परिवारा। हे प्रभु ये धरती धन धाम आपका है, आपके पिता के मित्र का है, मेरा कुछ नहीं है। तो राम ने कहा कहो सखा सब सत सुजाना, मोहि दिन पितु आय सुहाना। वर्ष 4-10 बास बन मृत मृत भय सहार, ग्राम बहस नहीं उचित, मैं ग्राम में नहीं जा सकता, मैं जंगल में रहूँगा। तब निषाद पद उर माना तरसपा मनोहर जाना। इसे आप लोग तीनों मोती आए ना, यहाँ तीनों आए, आराम से 4 आए थे, मारू चलना कभी चलिएगा तो 4 चलना, 3 नहीं चलना, एक गति अवरोधक है, खतरा है ना। कभी 3 नहीं चलना है, 4 चलना है। और राम जी युद्ध चले 6 चले, 2 घोड़े राम लक्ष्मण जान की प्लस सुमंत, 6 हो गए। यहाँ से सुमंत छूट गया, घोड़े छूट गए, निषाद साथ हो लिया। निषाद गया जमुना किनारे तक, जो निषाद बैग हुआ 4 ही बट दिए भारद्वाज, उनके रास्ता बताने वाले 4 गए, 4-4-8 फिर बराबर हो गया ना। लेकिन जब वहाँ से फिर 4 बटवाए तो निषाद भी आया 3 बजे, तो वहाँ जमुना किनारे तापस एक रुचित हयावा तेज पंज लघु पहना, तापस आ गया, वो राम के साथ हो लिया। वह तापस जब सुमंखा की नाक कटी, सीता को कहा कि सुनो प्रिया व्रत रुचि सुशीला, मैं कुछ करे चरित्र लीला, तुम पावक मैं करो निवासा, जबला करो निशाचन। अच्छा सब अग्निदेव के साथ चले जाइए। उसी पीरियड में अग्निदेव आए। अग्निदेव है कौन जानते हो? अग्निदेव राम के पिता है। राम जो है राम के पिता अग्निदेव हैं। दशरथ दत्तक पुत्र हैं, पालक पिता हैं, लेकिन पिता नहीं दशरथ, क्योंकि रावण कहा था ना दशरथ के बीच होकर संतान। इधर गारी गाई कि खीर खाए पैदाश सुत करती है और पूरी के नारी, खीर खा के पैदा हो ना, तो खीर पैदा हुए। खीर दिया किसने? अग्निदेव ने। तो अग्निदेव के पुत्र थे, राम भी ब्राह्मण थे, भरत भी ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मण को मारने वाला ब्राह्मण, रावण था क्या? ब्राह्मण था, उत्तम कुल का था। मारने वाले कौन? राम। ये भी ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मण थे। क्षत्रिय कभी ब्राह्मण हत्या नहीं करते। फिर रघुवंशी में और ज़्यादा होता था। अब यहाँ क्यों ज़्यादा है? राम जी सिंगबेरपुर आए, वहाँ कही गई कुटी कथा प्रसंगा, राम बिलोकत गंग तरंगा। निषाद राज फल को लेके मिला, राम जी को यहाँ लाया वाटिका में, वाटिका में स्थान दिया। तब कुशा के साथ ही दिया, राम जी वहीं सोए, कंदमूल फल दिया, दोना में पानी दिया, खाए और सो गए। सोवत प्रभु निहार निषादु, और भयो प्रेम बस हृदय विषादु। निषाद ने रखा कि आज चक्रवर्ती नरेश के पुत्र दोना पानी पी रहे हैं, पत्तल में भोजन कर रहे हैं और जमीन पर सो रहे हैं अनाथ की बात। राम जी का प्रथम वनवास यहाँ से शुरू हुआ, जमीन सोने का यहीं से शुरू हुआ। तमसा तो नहीं सोए थे। तो उस समय लक्ष्मण जी कहा भैया क्यों रोते हो? लक्ष्मण को जाकर पहरा देना प्रारंभ किया। निषाद भी तमाम सारे परिवार को जो अपना बड़े बड़े योद्धा थे, चारों के पहरा लगा दिया। आप भी लक्ष्मण के पास बैठ गया, पहरा देना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण ने गीता ज्ञान दिया कि रो नहीं, स्वप्न देख रहे हो। काहू ने सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। सपने होए भिखार कोई रंग नागपत होए, जागे हान न लाभ कज जे प्रपंच जग सोए। निषादराज मोह निशा सब सोनहारा, मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, आप जग जाओ। कहा मैं जग रहा हूँ, बैठा हूँ, अब बात कर रहा हूँ, मोह तुमको हो गया। मोह है क्या चीज़? कोई संत हो, महात्मा हो, ब्रह्मचारी हो, त्यागी हो, सबको मोह है। अपने कोठी से मोह है, अपने मंदिर से मोह है ना, नहीं तो अपने चेला चाटी से मोह है। जगह कोई चेला चाटी ना हो, अकेला सम हो। अपने वस्त्रों को कोई मांग रहा है, बस ये उतार दिए, नहीं तो जानो किसी मोह नहीं है। आपसे तो पैसे मिलने सहारा न रखो, उसको मोह नहीं होता। या कहते ही सवेरा हो गया। राम ने कहा निषादराज बरगद दूध लाओ। बरगद दूध मंगा के राम ने जटा बनाना प्रारंभ किया। अब कौन रो रहा? सुमंत। कि सरकार पिता की आज्ञा थी कि सुठ सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई दिखराई बन फिरे हो गए दिन चार। इनको जाके जंगल दिखा के वापस लाना। अब आप क्या करें, जब जंगल क्यों नहीं जा रहे? कहा पिता व्याकुल अवस्था में रोगी का, दुखिया का, शराबी का बात नहीं मानना चाहिए, कुछ भी कह सकता है। तो कहे फिर, कहा ये मेरे क्रीट मकुट। तो कहा माँ जानकी जी फेर दो। जानकी जी नहीं तैयार हुई जाने को। कहा लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी थोड़ा साइड बोले। कहा मैं कोई नहीं जाएगा सुमंत, इसको ले आओ। लक्ष्मण जी कहा तो तरनी मुन घरनी हो जाई, नैया किसी बाबा की महरिया बन जाई। तो यही प्रतिपालो कुल परिवारो, नाथ न जानो कौन कुवारो, जो प्रभुपार अवस गाचा हो, मैं पद पदम पखारन का हो। लक्ष्मण गुस्सा गए कि बहनी बिटिया बुआ तक चढ़ दो, बाढ़ मार दूंगा। तो कहा लक्ष्मण दशरथ की सौगंध है, राम की कसम है, तुम बाढ़ मार दो मैं मर जाऊंगा, परंतु नाव को नारी बनने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी कर राम ने कहा भैया सुन, केवट के बहन प्रेम लपेटे और पटे बेहसे करुणा यान चिते जान की लखड़त इकाई करता है। अरे केवट के राज है, ज़्यादा उपाधि कर गया तो ले जाए गंगा में ले जाई, भाटी मारी नाव उड़ जाए, और जहाँ नाव पलटी तो तीनों मर जाओ। ड्राइवर डॉक्टर दुश्मन नहीं करना। लक्ष्मण कहा भैया नहीं बोलेंगे, उस पर बताएंगे। तो कहा महाराज कहो, और नहीं तो ये घाट थोड़ी दूरी है, आ जाओ वहाँ कमर जल हो जाते बैसा कटिलो जल था दिखाने जो करी हम चले जाओ, उतर जाओ वहाँ न धोबा। राम ने कहा मुझे नहीं आ बैठना। कहा मैं फिर कहो कि हमारे चरण धोरो। तो कहा बेग आने जल पाए पखारो, दौड़ जल भली जाओ। केवट गया कठोरता में, कहा महाराज ये पैर ऐसे उठा ले। राम ने उठा लिया खड़े से। कहा गिर जाऊँगा। कहा हमारे सर को पकड़ लो, सर पकड़ो और पाँव को ऐसे करो। कितनी रखाएं बोल, इसमें धूल लगी है। जब प्रभु कहा प्रभु रुक जाओ, पद पखार जलपान करी, वहाँ थोड़ा जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु पुनि गये मुझे तय पार। कहा स्वामी जो पहले से आगे बैठे हैं उनको पार जाना है, आप आगे चलिएगा। कहा कौन है? क्या हमारे पुरखा। आप इनको, हम आप दोनों एक धंधे वाले हैं, आप भी केवल मैं भी केवल, आप भी नाव चलाते मैं भी नाव चलाता हूँ, आप बड़ी नाव के कारीगर हैं हम छोटी नाव के हैं, ड्राइवर दोनों हैं, स्टाफ स्टाफ होता है। महाराज ऐसा करिए हमारे पुरखों को पार करो। राम ने तत्काल मंगाए कि बैकुंठ से विमान को सबको भेज दिया, जाओ। अब केवल कहा चलिए महाराज एक काम करो, पतवार पकड़ ले भाई, तुम मल्लाह हो ना, और हमारा जब पकड़ेगा नहीं, और जो चलाता है ऐसे नहीं चलते। वहाँ वहाँ निकले पूरे घाट उतर, ठाड़ भय सुर सर रेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे वह कछुन। क्या देव जाए न कुछ, सिया यकी मन जान हारी, मण मुंदरी कर दीन तारी, कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण कहो बुलाई। अरे महाराज